जैसे हम रुद्र प्रयाग जाते तय दिन आए थे हमें तय दिन यू ऑल एंटर था फोन अब यू ऑल एंटर भी तैयार है। अच्छा बोल जाना तुम तो ये हो बस। धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने 4000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवाए। मलाई बुकड़ा पर लग गया। प्राइस जो छ राहुल का थी 11000। तो भाई सुबह सुबह राहुल भाई चाय लेके आए। राहुल भाई धन्यवाद दे रहे यार। कितने मिनट टाइम 8 बजे आप सब लोग उम्मीद कर दो कि सब बढ़िया होला। तो स्वागत है आप सब लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के टेरी का एक खूबसूरत गांव चाव गांव बटी। तो ब्यार आप सब देखे होली कि हम तो जाए राहुल लोगों के। तो राहुल तो ब्याज बोलो कि धन उल्टी जाना था। अगर धन उल्टी जाना तो सुबह उठना था। तो रात को बड़ा बड़ा फोड़ मार ली। अब सुबह उठी नहीं भाई जल्दी। तो धन उल्टी यक बेटी बहुत दूर नहीं तो सुबह ही निकाल पड़ देखा। तो जो पहले बेटी ब्लॉग देखता बोला जब पिछले ब्लॉग देखी वो गढ़वाल ब्लॉग थे जो मेरे तो संडे को बनाए थे मैंने जो तो तैम हम जाए थे नंदगांव। तो नंदगांव वाला मैच मैंने बताया था। तो आज नंदगांव फाइनल तो हम तक जाना थोड़ी देर में। तो दिया भी जला ली और नहीं कह तैयार भी की। तो फटाफट पहले नाश्ता करता हूँ फिर मत चल रहा हूँ तक बेटी देखता हूँ कि जाना कि नहीं जाना। अभी अनु और राहुल था आया तो अनु था बोलो कि घूमने चला गया कि अगर तुम नंदगांव जाना तो हम नहीं जाना। तो मैंने आज बाल भी कटाऊ तो पहले तो बाल कटाऊ फिर फाइनल देखने जाने। तो आज जो मैच होना मैं सुनने में ही ना आए कि आज चमियाला को और पिपोला को मैच होना। तो देखता कुछ जीत दो आज। तो फटाफट से पहले नाश्ता करता हूँ और फिर मैच देखने चलता। भाई माँ कख जाए आज घास तो माँ बीमारी का भी है और यक देखा आज यक में दादी भी उकाल चढ़ गई भाई आज। यक नाश्ता आज भैर में लाए मैंने बताया था कि घर में बाहर यक में काम है। नाश्ता आज दीदी ने बनाई और माँ बीमारी का भी है और मौसम देखा आज के मस्त हुए। तो भाई आज का खाणो मलाई और माँ तो चाह बस दूध नहीं खाड़ो बोलिया पहले मैंने बोली मैं दूध लाने पहले बोलना मैंने बोली मैं दूध लाऊं। अरे क्या बोल वाला हाँ बोल आ बोल मलाई दुकड़ा पर लग गया। अच्छा ठीक तो मान पहले बोली दही लाई चावल बोलिया दूध नहीं फिर गाड़ फिर दूध मैं एक ही दिन दूध पीना तो पता जाने बाद तो सुबेर बोल ड्यूटी जाने बाद दूध नहीं पीना बोलो बोलो काला क्यों मैं खा दो हां अच्छा अच्छा भाई सो अच्छा भाई जरे मंदिर में आई यक देखा अपनी गैंग देखा हम बैठी राहुल रज्जू भाई अनु और आसी आसी तो कबरी बिटी भाई ब्लॉग में देखना। तो मैं बोलने भूल गई थी कि धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने 4000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवाए और मेरी एक शर्त तय रखी कि मेरा अगर यूट्यूब पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होला तो तेके बाद मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जाऊँ। तो मैंने पहले ही बताया था तो तबरी बिटी बथेरों सब्सक्राइब करी तो ब्याल था होना 3990। तो मैंने एक स्टोरी डालते इंस्टाग्राम पर कि अगर तुम 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहे थे 4000 हुई जाला तो मैं लाइव आलो। तो ब्यार लाइव आई था भाई 4000 ब्यार रात भी अब 4000 छह भी गया अभी देखी मैंने। तो थैंक यू आप सब लोगों को पिछले वाला ब्लॉग में आप सब लोगों ने देखी बोलो कि मैं एक बात बोलता ही कि जो सामने मंथल गाँव मैली तो हमारे एक ही गाँव मैली लोग सेरा करता अभी। तो एक कमेंट था आयो कि नंद गाँव बड़कोट भी करता सेरा। तो मैंने अपनी जगह की बात करी भाई जो हमारे नजदीक गाँव है भले ही मंथल हमारो हमारी ग्राम सभा में नहीं आते बट जो हमारा नजदीक ना गाँव तेक बारे में बोलते मैंने सेरा तो चौरी वाला कर भाई तो ज्यादा सेरा जो छे ना अजाओ भी जो करता मंथल वाला करता और ज्यादा सेरा ही ना। तो हमारा गांव में पहले करते थे सेरा पर क्या हुई कि अब नहीं करता कोई ना तो सब सेरा बांझ पड़े मैं ली। तो जो हमारा गांव का वाल देखना तो उनसे पता होगा कि सेरा जो छे हमारा एक जगह को नौने छंडा दी तो तक ही सेरा वो भी सब बांझ पड़ गया अब कोई नहीं करता सेरा है मैं लगाना आज नाल पड़ा क्या हो रहा है।
पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये। तो दगड़े अब था माया कपड़ा बदलना के, तो हम जूता पहरी जाना रज्जू और राहुल तो मत ही बना। रज्जू की बाइक ले जाना के, चाबी लेने था यो। अरे तो मैं जूता पहरी जाना, तू क्यों मैच था? मैच नहीं पे चप्पल लवर क्या तो मैंने पहले बाल कटाना भाई, तेरे बाद मैच देखने जाना। आई यहाँ तेरे तो भाई कखन कटाना बाल, कोई आने बोल लगी बाद हम कटाए बोलिया मैच देखना बाद। तो भाई आप जाना मैच देखना का, और राहुल से तुम्हें पता ही नहीं कि राहुल से बाइक चलाना भयंकर शौक ना, अपनी मैच चलाना देने नहीं भाई मैं लगे। तो देखो भाई पेंटिंग देखा आप, आज मैं पिछाड़ी एक तो बढ़िया हुई मैं एक मौका मिलने लगी, मैं पिछाड़ी बैठी दिखाऊंगा पिछाड़ी बैठी ब्लॉग में की कथा पेंटिंग हुई हमारे। तो राहुल तो तक्का भी चलाता ही, ये रोड पर मैं पहली बार दिखाऊँ राहुल में, नहीं राहुल ही बार रोड पर नहीं चलाऊंगा, यही बार रोड पर चलाऊंगा। मैं सोचा नहीं चला ड्राइवर रोड पर मैं राहुल बोली मैं चलो मैं बोल ठीक भाई रज्जू और राहुल बाहर जाना। और यार देखो भाई पेंटिंग पेंटिंग दिखाओ, मैं पूरी पेंटिंग कब तक हुई है तो भाई जो पेंटिंग होने लगी तय कोलदार जो बनो हम बनो यार देखा। तो पेंटिंग तो ना अच्छी हुई पर बहुत बारीक हुई, लगन तो ठीक लगे जब गाड़ी जानी पर पेंटिंग जो हुई बहुत बारीक हुई, मतलब कम डाल खोलता यहाँ पर देखा। हाँ भाई फुल लाइव है मतलब फादर जी फुल लाइव पर कहीं जाऊँ क्या जाऊँ भाई। यक देखा जो हमारा गांव का जितना भी लोग बोलते हैं यक बेटी और मतलब थोड़ी बाढ़ तक बाकी हुई एजवार रोड की पेंटिंग थे हुई, तो जब तक नहीं थे पेंटिंग हुई तक अब पेंटिंग हुई और काफी टाइम से लोग बोलते थे कि कब होली पेंटिंग कब होली पेंटिंग, अब फाइनली पेंटिंग होगी और काफी अच्छी होगी। बट उखड़ो ना जो मैंने दिखाई थी कि कितना पतल हुई पेंटिंग, कुछ महीने बाद उखड़ी जान दी भाई। ई बार रोड पर पेंटिंग हुई बेड भी स्टार्ट हुई, ई बार रोड पर पड़ना जो इतना जो कच्चो दिखने लगे तो बेड जो पेंटिंग हुई सब उखड़ गई भाई, एक महीना भी नहीं हुई जो पेंटिंग हुई भाई। आज जो काम चलो यखम चलो यखम रोड खराब तो हुई, बरखा टाइम पर ना जब बरखा हुई जबरी तब एच बटी मलबा थे कुछ आए तो सुबह टाई था ना, और अब यक बटी पेंटिंग करना यक तक पेंटिंग हुई ना बेड तक मैंने पहले भी दिखाए थे तो आज यक में करना शायद। तो दगड़े अब हम आएगी रज्जू गांव जो नया मकान बन रहा, तो पहली बार जो ब्लॉग देखता होला तो देखे बोलो कि जब हम लास्ट बार आए थे जै दिन हम रुद्रप्रयाग गए थे तय दिन आए थे हमें तय दिन युवा लेंटर थे पढ़ो, और अब युवा लेंटर भी तैयार होगी। तो रज्जू गांव जो मकान बन रहा तीन मंजिल बननी, एक कमेंट बताएं कि रज्जू गांव को हवेली वाल बननी, तो हवेली नहीं बननी भाई तीन यक निश्त खाली अभी फिलहाल, यक कमरा बनना और ऐच रज्जू गांव की दुकान बननी। और भैजी भी ब्लॉग देखता, भैजी ब्लॉग देखता ना भैजी मिली मैं एक दिन जै दिन फर्स्ट टाइम मिली तै दिन भैजी तो बोला मैं ब्लॉग देखू बोला बोले है तू रज्जू को घर मस्त भाई बन ये जो यो रज्जू को कमरा बल रज्जू इधर आ ये वाल तेरे रूम है रज्जू का पूजा पाठ वाल कमरा रखी भाई रज्जू पूजा पाठ ज्यादा कर दो बोलने आया हम करना क्या भी अच्छा अच्छा मैम प्रणाम हाँ रज्जू आ जा हाँ तो मैं देखने आना मैंने पूछी तुम कब रिपीट बोल कि हमारे यहाँ नहीं हमारे तब मैं संडे को मैंने बोली मैं तब जाओ पिछले संडे नहीं था मैं जिस दिन रुद्र पर आज नहीं मिल जिस दिन प्रसाद ली गए खन तेरे बाद भी आए एक दिन जिस दिन दवेला आई रज्जू में रज्जू जिस दिन दवेली का याद ना बितरम जिस दिन दवे खड़े आए। तो दगड़े आप पहुंच गए हम नंदगांव में, तो पिछले संडे को जो हम आए थे ना तय दिन हम मार्केट बैठ जाते वो आज हम यख बैठ जाना वो तो आज रोड में था बैठी आरटीओ तो अनु एक बैवाल का नहीं बाइक वाल अब कूड़े दान थे इसलिए आनो राहुल सो कूड़े दान थे लौड़ो तेन दी क्या गाड़ो आरटीओ तेन कूड़े दान था कि छोड़ दिए सो बाइक भी यार पैदल लग जाए तनन क्यों होने लो। तो भाई मैच जो होना सिया खाए चौना और आज फाइनल ना और संडे भी ना साथ में तो और ज्यादा मजा आना बथेरे लोग आए भीड़ लगी मेरे तो देखो चमियालाबाद जिद्दा की पिपोलाबाद जिद्दा
जाना तुम है ना, अमर तुम्हारे रात को पहली बैटिंग जो था सचमयाला ही था और एक बार नंदगांव वालों ने पहली पारी चलने जा पहली पारी तुम कहाँ जाना मैच देखने मजा आने ना अरे सेकंड पारी जो तब मजा आने अभी हम आया रोड में तो राहुल भाई और मैं और रज्जू अनु भाई सुक्री भाई बिप्पी चाचा और मनोज भाई अभी मैच देखना तो दूसरी पारी भी स्टार्ट होगी जरे हम एक माए तेरे पहले ओवर लगी जाऊँ तो फटाफट से जाना ब्लॉग तो नहीं बनाया सब मैं बिकॉज दिक्कत होनी तक माइक चाहूँ और ब्लॉग नहीं बन ध्यान लेकर तो फटाफट से चल रहा और बाद में बताऊँगा सीधा कि कुजीती और कुहारी तो प्राइज जो राहुल का थी 11,000 जो फाइनल जीत लो तो 11,000 और जो दूसरी टीम होली जो फाइनल में हली तो कत मिल 5,000 मिलता सर दगड़े फाइनली पहुंच गई घर में और शाम की बजनी 4 तो भाई भयंकर वाली भूख लगी अब मैं खाना खा लू तो फिर रात को खाना खाना मन नहीं करता तो मैं देखू कि पेस्ट भूल गया पेस्ट छने भाई बची ब्याल दीदी पेस्ट लिखा आए हाँ ब्याल दीदी पेस्ट लिखा आए थे तो पेस्ट खाना और मां चाय बनाने तेरे तो फिर चाय पीना और थोड़ी आराम कर दो भाई भयंकर वाल थकल लगी और जो आज मैच हुई था फाइनल जो ली गए सिली गए पिपोला वाला तो भाई भयंकर था भाई क्या पिपोला हाँ मजा आई भाई मैच देखने में आज जो पहली जाए पिछले संडे को तेरे दिन कोई मजा नहीं आई भाई कन खिली नहीं इतना भयंकर आज खिली तो भयंकर की तो फटाफट से पहले पेस्ट खा दो और फिर चाय पियो ना और थोड़ी आराम कर दो भाई दगड़े रात की बजे 8:30 अभी था हम जाए घूमने और मेरे फोन पर चार्ज नहीं था तो मैंने फोन चार्ज पर लगाए थे तो थोड़ी रिद्धि को जाना भाई रिद्धि लोग बोल जान लगे तो थोड़ी तक बैठ दो और फिर खाना खाने जा रहा तो भाई यक माए अरे यक देखा आज बहुत लेट है भाई रोड बढ़ाने बोल जाना है तब भी थोड़ी देर तक रोल बोले बैठे आज अच्छा बोल जाना तुम तो ये हो भाई ये राम बोल जाना भाभी का दिखता है ना तुम्हारा सपोर्ट हम करता है आज कमेंट था ना अच्छा अच्छा दिखता है ना तो सबको धन्यवाद भाई जॉन भी मैं कहीं बधाई देने की 4,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुई आज तो बस इन्हीं कृपा बनाए रखे 5,000 भी जल्दी वाला था है ना हाँ क्या बोलने लगे कुछ आज गड़बड़ ब्लॉग में ये क्या इनका ने मैं ताई दिन खा रहा हूँ ये भाई मैं से दिन ही नहीं तुम्हारे सही बात भाई भाभी तो बोनी पर्ची जो जब कमेंट करना तो यही देखी करी बोल बोलिया कि भाभी लव के एकदम से बोल देने की सब्जी नहीं देनी तक नहीं यार तन चल दिन पर भाभी बोली रहे बाद में भाभी तब नहीं दिन सब्जी नहीं तर भाभी से याद रहे आने में तन पूछान भाभी हमसे तन कोई बात नहीं पर पता नहीं क्या आज मोड़ में याद नहीं रहा उसे आज है ना रज्जू बता नहीं तब चल दो मैं भी कहूँ रूट बढ़ने आगे वन खाऊं बाहर जाऊँ अच्छा बोल भाभी लोग जान लगे भाई पर से बेटी रिद्धि रिद्धि स्कूल 21 सारी बेटी अरे बोल की जाना तब ये रहा कुछ नहीं खा ला और खा के था कुछ नहीं लाई अच्छा तो 21 सारी बेटी ना ना स्कूल भी 21 सारी खोलता है 24 को तो छुट्टी ना आप 25 को आए ना होली होली छुट्टी होली प्राइवेट स्कूल से तब जनता मार जाए सब तारे गए थे ना भाभी हम भी सोचा लगे अभी बहाने वाला होना तो देख लेता मैं एक महीना हो गया दगड़े रात की बजे 9 और खाना भी खा लिया मन मस्त करके और
मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि क्यू एन ए वाली वीडियो में ली तो एडिट करने वाली कसम से एडिट ही नहीं होनी भाई। तो काफी सारे लोग बोलते कि तुम इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं देना, फेसबुक पर रिप्लाई नहीं देना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देना। तो भाई जी वीडियो बारे में बात करूँ ती कब रिपीट में बोलूँ, एक दो ही हफ्ता होने वाला कि एडिट करना। मैंने पिछला देखो शूट कर लिया ऐसा, पर आज तक एडिट नहीं हुई भाई, इतना बिजी मैं तो टाइम ही नहीं भाई। आज देखी बोलते मैंने सुबेर में मैच देखने जाएगी तो फिर साढ़े तीन मान पर बिजी रहे, तक बाद घर आए तो रील्स बनाने जरूर होंगे, इंस्टाग्राम पर डेली अपडेट देने जरूर होंगे, तो यहाँ की वजह से एडिट भी नहीं हुई। और आप तो खैर आज थक लगी यार, नींद लगनी भयंकर वाली, तो सुबह फिर ड्यूटी जान बोल और फिर शाम को सोई सीन होने, तो अगर टाइम मिले तो बीच में एडिट करने सा और अपलोड कर दें। तो फिलहाल मैं करूँ ब्लॉग की एंडिंग, तो जैन अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करी सो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और जय को करी सो इन्हीं सपोर्ट बनाए रखें, मिल दो आप सब बुक है बोल का एक और नया ब्लॉग दगड़ी, तब तक।